सेवा देना है, इसी सोच इसी दिमाग से हम लोग सबको सेवा करते हैं। आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल डीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। पटना पहुंचते ही राजेंद्र नगर टर्मिनल के जस्ट सामने आपको दिखता है एक आलिशान सा दिखने वाला रेस्टोरेंट जिसका नाम है पैनेशिया। चलते हैं मेरे साथ, मैं हूं अक्षता सहाय और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीडी न्यूज के सबसे खास सेगमेंट द राइजिंग बिहार में। आज हम कवर करने वाले हैं ये रेस्टोरेंट जिसका नाम है पैनेशिया। चलिए मेरे साथ अंदर बात करते हैं यहाँ के ओनर से, मैनेजर से, लेते हैं लोगों का रिव्यू और देखते हैं क्या कुछ खास है अंदर पैनेशिया के। आइए मेरे साथ। अंदर आते साथ एक आलिशान सी फीलिंग आ रही है क्योंकि यहाँ का इंटीरियर कुछ ऐसा है, गोल्डिश ब्राउन का यहाँ पे इंटीरियर टच दिया गया है हर एक सेगमेंट में। अगर कुर्सियों की बात करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर भी उस इंटीरियर डिज़ाइन को कंटिन्यू किया गया है, बिल्कुल सोने की तिजोरी जैसा ये पूरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग लग रहा है। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं क्या कुछ खास है। सबसे बेहतरीन यहाँ पर जो सीलिंग पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की गई है, लाइटिंग का यहाँ पे बहुत प्रॉपर ध्यान रखा गया है जो कि बेहद खूबसूरत है। ईच एंड एवरी कॉर्नर दिस रेस्टोरेंट हैज दिस ब्यूटीफुल सीलिंग वर्क आउट हियर एंड बहुत खूबसूरत लाइटिंग है। अगर बात करें यहाँ की इंटीरियर लाइटिंग की तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। लाइटिंग का वर्क हर जगह बहुत खूबसूरती से कंटिन्यू किया गया है, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक आपको एक डिफरेंट टाइप की गोल्डिश ब्राउन की लाइटिंग मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट लग रहा है, आंखों को बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस मिल रहा है देखने के साथ। चलिए बात करते हैं इनके रिसेप्शन वाले सेक्शन में। यहाँ पर एक अगेन बहुत खूबसूरत इंटीरियर दिख रहा है, लाइटिंग का काम किया गया है इस तरह से, ये खूबसूरत लाइट यहाँ पर लगाया गया है, ब्रोकन जो कांच है उसके साथ इसको बनाया गया है और इस तरह से यहाँ पर लगाया गया है। अगर ध्यान से यहाँ पर देखा जाए ये जो सीलिंग के वर्क है, जो लाइटिंग है, ये कुछ ब्रोकन मिरर से बनाया गया है। सो हियर द सेइंग दैट सेज ब्रोकन कैन बी ब्यूटीफुल, यस इट इज एब्सोल्युटली राइट इन दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट ऑफ इनका रिसेप्शन एरिया, क्योंकि अगेन ब्राउनिश टच दिया गया है। इंटीरियर की बात करूँ तो सामने जाते हैं किचन एरिया, आपको अपने आंखों के सामने नजर आ रहा है ओपन किचन का भी कॉन्सेप्ट है। ये जो सेक्शन है अगेन एक तरह से डिवाइड दिया गया है फैमिली के लिए, कोजी प्राइवेट लुक देने के लिए, बड़ी सी फैमिली भी आपके आराम से अकोमोडेट कर सकती है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रेस्टोरेंट, यहाँ पे मुझे हर एज से लोग दिख रहे हैं, बी इट बूढ़े लोग, बी इट मिडिल एज के लोग, बी इट यंग लोग, सब लोग आके आराम से इस रेस्टोरेंट में खाना इंजॉय कर सकते हैं विद अ ब्यूटीफुल किचन। आगे चलती हूँ, काफी बड़ा रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे ये, और यहाँ पर हो रहा है कुछ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। दो टेबल देख सकते हैं, दोनों को पहले से बुकिंग करके रिजर्व की गई है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के सबसे खास व्यक्ति यानी कि पैनेशिया रेस्टोरेंट के मैनेजर से। सर क्या नाम है आपको, कब से जुड़े हुए हैं इस रेस्टोरेंट के साथ? शुरुआत से 2021 के अक्टूबर 15 तक हम लोग स्टार्टिंग हुआ, ओपनिंग हुआ सबसे हम लोग। अगर बात करो इस रेस्टोरेंट की, कैसा भीड़ आता है यहाँ पर, कैसे लोग आते हैं? देखिए सर, हम लोग का यूएसपी जो है, हम लोग मतलब कोई जो जब से बना सिया बना, हम लोग एक तरीका बना लिया गेस्ट को, हम लोग अतिथि देव भव जो हमारे हिंदुस्तान में जो चलन है वो हम सोचते किसी गेस्ट को पैसा की धंधा में नहीं चलन, एक सेवा देना है, इसी सोच इसी दिमाग से हम लोग सबको सेवा करते हैं। हम लोग का जो खाना, हम लोग अभी 8 से 9 महीने हम लोग कैरी कर रहे हैं, लेकिन 8 से 9 महीने मतलब पटना का जो पब्लिक, कटकरवा से पब्लिक, यहाँ के इलाका का जो जितना पब्लिक है यहाँ पे मतलब आ रहा है, बिल्कुल सर वो तो मुझे दिख ही रहा है कि 8 से 9 महीने हुए हैं और कितनी ज्यादा भीड़ है। जब से आई हुई हूँ तब से लोग आना जाना कर ही रहे हैं। ये जो ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, लोग अपना खाना अपने आंखों के सामने देख सकते हैं, इसका आइडिया कैसा है? इसका आइडिया हम लोग का जो एमडी साहब देखे सर, उनका पहले से एमडी तक हम लोग जो कुछ मतलब गेस्ट डायरेक्ट देख पाए कैसे खाना बन रहा है, क्या 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 मटेरियल यूज हो रहा है, कौन क्रीम यूज हो रहा है, कौन राइस पर तेल यूज हो रहा है, वो सब डायरेक्ट कस्टमर जान सके देख सके, इसलिए हम लोग वो कॉन्सेप्ट हम लोग अपनाए। खूबसूरती की बात कर ही रहे हैं तो सर आपका जो रेस्टोरेंट है बहुत ज़्यादा खूबसूरती पर ध्यान दिया गया है, हर एक सेगमेंट को जोड़ा गया है, बिल्कुल कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑड वन आउट है, हर चीज़ एक बहुत खूबसूरत, जैसे कि मैंने कहा शुरू में अपने ऑडियंस को, मेरे हिसाब से ये सोने की तिजोरी जैसा एक खूबसूरत इंटीरियर डिजाइनिंग दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में?
इंजन का डीजल बनाया, हम लोग पहले से ही सोचे हम लोग जो पटना के ऐसा चीज़ हम लोग बनाए नहीं जो पटना के दूसरा है कोई आइटम ना, इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ बढ़िया सारे हमारे जो फर्नीचर है दिल्ली से बैंगलोर से हमने स्पेशली लाया, थोड़ा कमर्शियल के लिए थोड़ा हिस्टोरिकल जो मतलब आजकल का जो मतलब कॉर्पोरेट वाला जैसे प्लास्टिक वाला जो चेयर वगैरह हम लोग बिल्कुल उसको नहीं किया, हम लोग थोड़ा वारियन में जाके दिल्ली से एकदम स्पेशली ऑर्डर करके दिल्ली बैंगलोर से सारे फर्नीचर वगैरह। आपने जैसे फर्नीचर की बात करी, इंटीरियर की बात करी, यूनिक है, काफी ज्यादा खूबसूरत है, अगर मेरा कैमरामैन फोकस करे तो वो दिखाएंगे आपको कि हर एक चीज को यहाँ पे वेल डिटेल तरीके से फर्निश किया गया है, इसकी फिनिशिंग की गई है, काफी खूबसूरत लग रहा है। सर यहाँ पर जो आपने थोड़ा सा प्राइवेसी का भी कॉन्सेप्ट बनाया है उसके बारे में आजकल का जो मतलब जो जनरेशन चल रहा है थोड़ा प्राइवेसी चाहता है, हर जगह रेस्टोरेंट होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाया जो कोई कपल आया कोई फैमिली आया थोड़ा मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है तो एक प्राइवेसी होता है, एक थोड़ा सुकून देते जिंदगी जीना, सुकून देते हैं एक घंटा वहाँ से स्पेंड करें आराम से शांति से, इसलिए हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाया थोड़ा फैमिली वाला भी है थोड़ा बाल। जैसे ही अंदर आई हर एक से लोग मुझे दिख रहे हैं जो काफ़ी यूनिक है कि यहाँ पे कुछ यंग कपल हैं, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है, कुछ ओल्ड लोग मुझे नजर आ रहे हैं, तो सारे लोग यहाँ पर आते हैं, पसंद करते हैं यहाँ पे आना, क्या कुछ खास आप प्रोवाइड करते हैं कि सारे लोग सारे एज के लोग यहाँ पे आते हैं? सबसे बढ़िया मैम डेकोरेशन बोलिए जो ये सब कॉन्सेप्ट है ज़्यादा हमारे लिए मायने नहीं रखता और एडिशनल चीज़ है, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ हमको खाना, मतलब हम लोग पहले से हम लोग कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी बनाए हम लोग खाना बेहतरीन पढ़ने के जितने आदमी उनको खाना बेहतरीन है, तो उसी से हम लोग को जो खाना का जो क्वालिटी है जो क्वान्टिटी वो पढ़ने में कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम लोग का जो सारे मेटेरियल चीज यूज होता है। क्या है यूएसपी खाने में, सबसे ज़्यादा क्या लोग पसंद करते हैं यहाँ पर, लोग जो टीवी न्यूज़ के व्यूअर्स हैं क्यों आए फाइनेशिया में, क्या कुछ खाने आ सकते हैं? क्योंकि हम ये सबसे सारा गेस्ट को से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे पटना में बहुत जगह हम लोग खाना खाया बहुत जगह घुमाया, लेकिन आप पटना में हमारे पना से हम एक बार अजय नगर में आइए, यहाँ का खाना टेस्ट कीजिए, यहाँ का खाना जो खाना हम पटना में दूसरा नंबर कोई खाना नहीं। अगर खाने की आप बात कर रहे हैं कौन सा खाना है जो लोग खाने के लिए आए, कौन सी पॉपुलर डिश है फाइनेशिया की, उसके बारे में बताइए। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जो जितना जो सब सेब है वो सब आउट ऑफ इंडिया में काम किया, तो मद्देनजर रखा हम लोग पैडिंग ऐसे रखा जो एक लोअर क्लास से मिडिल क्लास का हाई क्लास हम लोग गेस्ट फैमिली पूरे यहाँ पे स्पेंड कर सके खाना खा सके। प्राइसिंग की तो बात कर लिया सर, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये रिजर्व जो आपने जगह की है ये यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, क्या कुछ चार्जेस लेते हैं? आगे चलती हूँ तो मुझे यहाँ पे बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन के लिए यहाँ डेकोरेशन दिख रहा है, सर चार्जेस क्या है यहाँ पे बुक करना कराने की पहले तो सेलिब्रेशन डेकोरेशन के मैम यहाँ पे तो हम लोग का कंटिन्यूसली मतलब एनिवर्सरी का हैप्पी बर्थडे जो प्रोग्राम लगे रहते हैं हम लोग उसके लिए थोड़ा सा भी चार्ज रहता है 1000 रुपये लगा इसका रखा और कभी गेस्ट अभी 700-800 ऐसे दे रहे तो मतलब 1000 रुपये इसका प्राइस है। सर अगर बात करूँ कि क्या कुछ प्रोवाइड करते हैं बर्थडे में एज अ गिफ्ट के फॉर्मेट में बात करूँ, क्या कुछ प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं गेस्ट के लिए? हम लोग उसके हम लोग का जो स्पेशल मॉकटेल वगैरह है कोल्ड कॉफी है, उसके बाद हमारी ड्रम्स ऑफ हेवन है, ये सब चीज़ हम लोग मतलब गेस्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत सारे आइटम हम लोग उनको दे देते हैं जो पसंद करते हैं 3-4 आइटम हम बोलते हैं जो स्पेशल जो रिकॉर्ड है ना उनको हम लोग। आइए बात करते हैं सबसे खास चीज़ जो कि आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ टीवी न्यूज़ में, वो है पब्लिक रिव्यू जो आपको बताती है कोई भी जगह फिट है या फेल है। आइए मेरे साथ लेते हैं पब्लिक रिव्यू और रेटिंग, क्या कुछ खा सकता है पब्लिक को यहाँ। नाम क्या नाम हुआ? पूरी फैमिली के साथ आई है, कितनी दफ़ा इस रेस्टोरेंट में आ चुकी है? फर्स्ट टाइम आई है। क्या चीज़ है कि यहाँ पर आप रुचि चल रहे हैं पहली बार? क्या कुछ ऑर्डर किया है आज? खाने की बात करूँगी, कैसा लगा यहाँ का खाना, कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 10। सबसे ज़्यादा यहाँ की सर्विस के बारे में पूछ रहे हैं सर से, सर क्या नाम हुआ आपका? पहली बार यहाँ आए हैं, यहाँ की सर्विस कैसी रही? बाहर से लुक अच्छा लगा मुझे रेस्टोरेंट का, इस कारण से थोड़ा अट्रैक्टिव हुआ, मैं देखा कि पहली बार मैं ट्राई करता हूँ क्या है कैसा है, और मेरी वाइफ नॉनवेज खाती है मैं वेज खाता हूँ, तो मेरे साथ ये समस्या रहती थी कि नॉनवेज खाने के लिए मुझे पटना इतना दूर जाना पड़ता। वेज आइटम में क्या कुछ खाया? मैं तो अभी नहीं खाऊँ लेकिन मैं ट्राई करूँगा। सर अगर बात करूँ प्राइसिंग की तो छोटी सी फैमिली है, प्राइसिंग कैसे होती है? प्राइसिंग ठीक है, बहुत बहुत। चलिए बात करते हैं एक और यहाँ पे आए हुए कस्टमर से, सर क्या नाम है आपका, कैसा लगा यहाँ का खाना? नॉनवेज ऑर्डर किया, कितना रेटिंग देना चाहेंगे चना? 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे?
10 में से 10 देना चाह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस सेक्शन की बात करूँ तो जी हाँ, वेनेशिया में आपको मिलेगा 1100 बार, जहाँ पर है नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी अवेलेबल। सर क्या कुछ मिलता है बहुत तरीका से, मतलब भारतीय मोदी जो है बिना कोलाड है, बहुत सारा आइसक्रीम है। कॉकटेल, कॉकटेल की बात करूँ, मॉकटेल सबसे ज़्यादा यहाँ। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है, मॉकटेल 120-150। जी चलते हैं अब वेनेशिया के सेकंड फ्लोर में। जी हाँ, यहाँ पे सेकंड फ्लोर भी है जहाँ पे बैंक्वेट हॉल है, आइए मेरे साथ। अब हम आ चुके हैं वेनेशिया के बैंक्वेट हॉल में। शादी ब्याह हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, सब कुछ होता है यहाँ पर। आइए चलिए मेरे साथ दिखाती हूँ कमाल के इंटीरियर डिजाइनिंग वाला बैंक्वेट हॉल। नीचे जो डिजाइन था उसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर कुछ खास मुझे लग रहा है, वो है अगेन इनकी जो सीलिंग की जो लाइटिंग है बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही ज्यादा एक फोकस की गई है यहाँ पर। हर जगह लाइटिंग हो, सीलिंग हो, इंटीरियर भी काफी खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर है मेन स्टेज। चलिए बात करते हैं मैनेजर जी से, एक बार में कितने ज्यादा लोग यहाँ पर हो सकते हैं अकोमोडेट? बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल नजर आ रहा है, आराम से दिन सेरेमनी, शादी ब्याह सब कुछ हो सकता है। सर कितना बड़ा बैंक्वेट हॉल है, कितने लोगों को एक साथ अकोमोडेट कर सकता है? एक साथ ऊपर 250-300 आदमी को यहां पे ऊपर कैपेसिटी, उससे ज्यादा हो जाता है हम नीचे के रेस्टोरेंट के लिए, हम लोग कम से कम 550-600 का पार्टी यहां पे क्यों होता है। 550-600 लोग यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं। सर अगेन यहाँ की इंटीरियर डिजाइनिंग बेहद खूबसूरत है, क्या कुछ यहाँ पे सेलिब्रेट हो सकता है इसके बारे में बताइए। यहाँ पे आपका बर्थडे पर सेलिब्रेशन होता है, शादी मैंने यहाँ से शुरू करके जारे, मतलब जो फेस्टिवल है वो सारे यहाँ पे आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। सर चार्जेस पूछूँ तो वेज की और नॉन वेज की क्या कुछ चार्जेस है? हम लोग पास एक वेज के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बना हुआ, नॉन वेज के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ। वेज के लिए हम 750 लेते हैं, उसके साथ 800-820 आइटम होता है। नॉन वेज के लिए 900 उसको रेट रखा, उसके लिए 20-25 आइटम आपको मिलेगा, वेज नॉन वेज मिला के, मतलब ऐसा आइटम 20-25 आइटम। ये है इनका जो सेक्शन है यहाँ पे, भूफे लगता है और भूफे लगता है, साथ में साथ है वेनेशिया रेस्टोरेंट के लौटे सबसे खास शेफ जिसके अंदर बनता है यहाँ का खाना। तो खाना ही ऐसी चीज होती है जो लोगों को बार बार किसी भी जगह खींच कर ले आती है। सर क्या नाम हुआ आपका? कब से इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं? 30 साल हो गए हमारे। वेनेशिया में कितना भीड़ होता है, किस टाइम पे लोग सबसे ज्यादा आते हैं? सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक और फिर 6:30 से लेकर 10:30 तक काफी भीड़ हो जाती है। क्या कुछ सबसे स्पेशलिटी है वेनेशिया की बात करते हैं वेज खाने की, तो सबसे पहले बताइए। वेज तो पनीर लवाबदार है, कढ़ाई पनीर है, मेरा मशरूम मसाला है, कढ़ाई मशरूम है, पनीर पसंदीदा है। नॉन वेज की बात करें क्या कुछ मिलता है यहाँ पे? मटन और कंडीज बहुत ही खाना बन गया है यहाँ पे, ज़्यादातर लोग आते हैं और इसी को चॉइस करते हैं। उसके बाद चिकन में जो है देहाती चिकन है, बहुत ही फेवरेट डिश बन गया है यहाँ पे। सर आपके ही अंडर इतने सारे लोग काम करते हैं, आपकी ही डेली रेसिपी है जो कि वेनेशिया को इतना हिट रेस्टोरेंट बना दिया है आज के टाइम में। सर बात करते हैं प्राइसिंग की, तो क्या कुछ है प्राइसिंग में? मटन रोगन जूस का 400 रुपया प्लेट है और हैदराबादी जो है आपका 440 रुपया। लेकिन वर्थ इट है, लोग आते हैं बार बार। सर कितने डिशेस आपने रखी हुई है टोटालिटी की बात करें, नॉन वेज और वेज की? तकरीबन 300 आइटम है, 300 आइटम है हमारे पास, 300 आइटम है। शादी ब्याह का खाना होता है, बल्क में बनता है सर, तब भी टेस्ट का कैसे ख्याल रखा जाता है? एकदम सेम टेस्ट मिलेगा आपको, जो रेस्टोरेंट का जो आला कार्ड में देते हैं वही सेम हम टेस्ट दे देंगे बैंक्वेट में देते हैं वहाँ पे, तभी तो हमारे पास इतना जल्दी हम लोग प्रोग्रेस किया है। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए डीडी न्यूज के सारे व्यूअर्स को बात कराते हैं द वेनेशिया रेस्टोरेंट के ओनर से। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। सर यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया कैसे आया? स्टेशन के सामने है। स्टेशन के सामने है तो बहुत भीड़ होती है, मैनेज कैसे कर पाते हैं इतनी ज्यादा भीड़ को? मेरा खुद का पार्किंग है, अपना आता आदमी नीचे गाड़ी लगा के ऊपर चलाता है आराम से। जी वेनेशिया रेस्टोरेंट का नीचे पार्किंग भी है जो कि बेहद आसान कर देता है हमारे लिए यहाँ पर पार्क करना, क्योंकि काफ़ी बिजी रोड रहता है। सर बात करते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर इतना सब कुछ खास मिलता है, ऑनलाइन में क्या कुछ करते हैं आप? ऑनलाइन वेबसाइट है मेरा www.venesia.com, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऑर्डर कर सकता है, बिलिंग कर सकता है, होम डिलीवरी भी कर सकता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
खुले हुए एक साल से भी अभी कुछ कम ही टाइम हुआ है, लेकिन यहाँ की भीड़ देख के ऐसा लग रहा है लोगों को यहाँ का खाना जरूर बहुत पसंद आ रहा है। ये रेस्टोरेंट अपने ऊपर एक होटल भी खोल रहा है, तो शादी ब्याह का काम है गेस्ट रोकने के लिए आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ का हॉल भी बेहद खूबसूरत है। तो आज के डीडी न्यूज के सेगमेंट में राइजिंग बिहार में हम देख सकते हैं बिहार का ये रेस्टोरेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की जगह पे आकर खाना तो जरूर आइए और डीडी न्यूज के इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।